हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। ये हमारे क्लाइंट हैं और इनके बहुत छोटे बाल हैं और इनका आज छेकैया है, जिससे कि मुझे हेयर स्टाइल करना था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए भी ये वीडियो शूट करें, क्योंकि आपको भी ये परेशानी कभी न कभी आ सकती है या आपने भी झेला होगा। हमारे क्लाइंट को पीछे से कुछ लंबा हेयर स्टाइल या जूड़ा इस तरीके की इनकी नीड थी, तो हमने इसलिए इनका इस तरीके का हेयर स्टाइल किया। अब सबसे पहले हम सेंटर पार्टिंग करेंगे, उसके बाद ईयर टू ईयर पार्टिंग कर देंगे। अब आप देख सकते हैं, हमने ईयर टू ईयर करने के बाद एक पीछे से पोनी की तरह बनाया है। पीछे के बाल पूरा नहीं पकड़ में आ रहे थे, जितना पकड़ में आ रहे थे उतना हमने पोनी किया। इस तरीके से पोनी हम बिल्कुल टाइट करेंगे। इसके बाद हम रबर बैंड से इसको अच्छे से टाइट से बांध देंगे, क्योंकि हमारे छोटे बाल हैं, ढीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ढीला रहा तो ये सरक के नीचे आ सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल टाइट इसको बांधा है, ज़रा सा भी सरके ना, इस तरीके से। अब हमारे जो बचे हुए बाल हैं नीचे, अब हम इसको किसी की मदद से ऊपर इसको पकड़ के, और जो बचे हुए बाल हैं उसको इस तरीके से हम टिप टॉप क्लिप का यूज करेंगे, या हम बॉबी पिन का भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ टिप टॉप का यूज किया है। टिप टॉप का यूज करते हुए देख रहे हैं कि मेरे क्लिप नीचे सरक जा रहे हैं, सिल्की हेयर भी हैं और बहुत छोटे बाल हैं, इसकी वजह से ये नीचे आ जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उसको पकड़ के थोड़े थोड़े ट्विस्ट करना है। हल्के से जब आप रोलिंग टाइप का कर देंगे ना, तो वहाँ मोटे हो जाएंगे हेयर, जिसकी वजह से आपके क्लिप नहीं सरकेंगे। आप देख सकते हैं मैं थोड़े थोड़े ट्विस्ट करते हुए टिप टॉप का यूज कर रही हूँ, इसके वजह से हमारा नहीं सरकेंगे। देखिए उधर मैंने कर दिया, वो नहीं सरकेंगे। इधर हमने ट्विस्ट नहीं किया था, जिसके लिए हमारे बाल नीचे की तरफ स्लिप कर रहे थे। तो अब हमने भी इसको भी ट्विस्ट करके ऐड कर दिया है। ध्यान रहे दो चार क्लिप आप यूज करें, क्लिप में कमी ना करें, नहीं तो ये आपके बाल नीचे फिर से छूट जाएंगे। अब हम आते हैं आगे के तरफ। अब हम आगे के हेयर को देखिए इस तरीके से पतले पतले सेक्शन लेके ट्विस्ट करते हुए पिन करेंगे। इससे हमारे आगे के जो भी छोटे बाल हैं वो भी पकड़ में आ जाएंगे और ये आगे से देखने में अच्छे भी लगते हैं। अब बॉबी पिन से एक एक करते हुए इसको लॉक कर दीजिएगा, या फिर किसी की हेल्प लेकर के आप चार पांच एक साथ पकड़वा करके उसको हम लॉक कर देंगे। इस तरीके से पूरे बालों में हम यही काम करेंगे। देखिए एक एक लॉक करने में पिन ज़्यादा दिख रहा था, इसकी वजह से हमने मदद ले करके एक साथ चार पांच ठो जब हम बना लेते हैं, उसके बाद हम बॉबी पिन या टिप टॉप पिन से इसको सिक्योर कर लेते हैं। इसका आगे से हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लुक आता है। इससे छोटे बाल हैं या बड़े बाल हैं, इसमें समझ में नहीं आता कि किसी का छोटे बाल भी हैं और इस तरीके से हेयर स्टाइल बन सकते हैं। तो इनका पूरा बनने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि इतने छोटे बाल में भी हेयर स्टाइल हो सकते हैं। तो मुझे तो अभी तक ये फर्स्ट टाइम परेशानी हुई, जिसकी वजह से हमने आपके लिए वीडियो शूट किया। हमारे पास अभी इतने छोटे बाल कभी नहीं आए थे, तो मुझे भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन हमने कोशिश किया और बहुत अच्छा बन गया। तो आपको कभी इस तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट पर ही हम वीडियो करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए या क्या आप सीखना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। आप वीडियो पे एक कमेंट तो ज़रूर किया करिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपके लिए नए नए तरीके की वीडियो लेके आएं।
अब इसी तरीके से ट्विस्ट करते हुए हम पूरे बालों में कर लेंगे, पतले पतले बालों में बनाएंगे। आपसे यही बोल रहा ना कि सीधा भी नहीं निकलता। अच्छा, तो इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे तो ऐसा सही रहेगा, नहीं पूरा निकलता रहेगा ना। बस जब वो रेड जल रहा था समझ लीजिए वो हो रहा है एकदम अभी हिले ना एकदम, क्योंकि कैमरे में तुरंत पता चलता है। अरे देखते रहिए कैमरा चल रहा है, तो जाइए जाइए आगे। चलो शादी का यहाँ करना था, अच्छे से बढ़िया बनवा दिया। हाँ तो क्या, अभी नहीं करा रहे हैं ना, क्योंकि किसी को सोना हो। अच्छा, जानती हैं इधर के सब लोग जानते हैं। शादी में एंगेजमेंट दोनों यहीं आएंगे। बोले थे जो फेसियल वेसियल रहता है कैसा है, मतलब क्या प्राइस कहते हैं? 200 से शुरू है। जैसे कि शादी वाला क्या, कौन सा कम से कम 1000-1500। हाँ तो यही ऐसे 3000 तक है। नहीं 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 चाहिए, उनको हमको चाहिए, हम खरीदेंगे आगे। अच्छा, साड़ी पिन और कंपेयर पाउडर कंपेयर कर ले लो मोलो जो मैं शायद ढूंढा है ज्यादा और क्लिक आउट बंद कर देते हैं। हां बंद कर।
टाइट रखिए आप। अब आप पूरा बाल बन चुका है, आप देख सकते हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा। ये हमने नकली हेयर लिए थे, इसको हमने ऐड किया है क्योंकि मुझे लॉन्ग दिखाना था। इससे मेरे जितने भी टिप टॉप क्लिप वगैरह था सब हमारे ढक चुके थे, आप देख सकते हैं। अब इसको हम थोड़े से फ्लावर से इसको डेकोरेट कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो भी मैंने क्लिप यूज किए हैं वो सब नहीं दिखें और देखने में अच्छे लगे सिंपल सा, क्योंकि इन्हें साड़ी पहनना है तो साड़ी पे ये सब अच्छा लगेगा, उतना ओवर नहीं लगेगा, तो इसलिए हम तो गजरे का इस्तेमाल किया। हम लोग एक किए थे तो उतना नहीं समझ में आ रहा था, हमने एक और कर दिया। आप गजरे का जब भी करिए इस्तेमाल तो उसको यू पिन से अच्छे से सिक्योर कर दिए। टिप टॉप लगा हुआ है तो उसी पे कर देंगे तो ये टिका रहेगा, नहीं तो पूरा गजरा आपको पोनी से स्लिप कर जाएगा। तो इसलिए देखिए हमारा कम लग रहा था, हमने एक गजरा और इस्तेमाल किया है जिसे थोड़ा मोटा और अच्छा लुक दे इसके लिए। दूसरे गजरे का भी इस्तेमाल जब भी करेंगे इसको भी यू पिन के साथ इसको सेपरेट कर देंगे, इधर उधर हमारा खिसके नहीं, इसलिए हम यू पिन देखिए इसी तरीके से ऐड कर देंगे जिससे हमारा पूरा गजरा एकदम अच्छे से सेपरेट हो जाए और हमारे बाल इधर उधर कहीं भी नहीं निकले। चारों तरफ से हम यू पिन से सेपरेट कर देंगे इसको। अब हमारा जो आगे के बाल हैं जो हमने थोड़ा सा फेस फ्रेमिंग के लिए निकाला हुआ था उसको हम टोंग कर देंगे। टोंग करने से थोड़ी से अच्छे लुक आ जाते हैं, इनका मेकअप वगैरह भी नहीं हुआ है तो हमने सिर्फ हेयर स्टाइल का आपके लिए वीडियो अपलोड किया है, मेकअप का नहीं किया है, फेस नहीं दिखाना था इसलिए। शादी का इनका हमारे यहाँ ही होगा मेकअप, तो हम आपके लिए ये मेकअप ज़रूर लाएँगे। तब तक के लिए आपको ये हेयर स्टाइल देखिए, मेकअप का आपको इंतज़ार करना होगा इनके। इसके बाद हम जितने भी हमारे हेयर थे उस पर हम स्प्रे कर देंगे ताकि इनको दूर जाना है, मेरे हेयर बिल्कुल भी ख़राब ना हो इसके लिए स्प्रे से अच्छे से इनका फिक्स कर देंगे, इनके बाल नहीं बिगड़े इसके लिए बहुत अच्छे से इनको हम हेयर स्प्रे का यूज कर दिए हैं। अब इनका हो गया है फाइनल, अब फाइनल लुक देखिए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ी सी भी मदद हुई कि नहीं मेरे वीडियो से। अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे बढ़िया था मैं बनाई।
मिलम रहा हाँ घूमे बस अच्छा।